नमस्कार, मार्केट टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में और आज हम आपको प्याज के दामों के बारे में बताएंगे कि प्याज के आज के दाम क्या हैं और आगे क्या संभावना है, क्या वृद्धि हो सकती है प्याज के दामों में, क्या कमी हो सकती है, किसान भाइयों को प्याज का स्टॉक करना चाहिए या धीरे धीरे बेचते रहना चाहिए। इन्हीं सब पहलुओं पर हम यहाँ आज़ादपुर मंडी में आए हैं, बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत से ट्रेडर्स से बात करी हमने। तो आज़ादपुर मंडी के एक ट्रेडर मिश्रा जी से हम बात करते हैं इस बारे में। आइए बात करते हैं मिश्रा जी से। श्रृंगेरी देव मिश्रा सर, आज प्याज के क्या दाम है? दाम एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के प्याज हैं। राजस्थान जो बिका है वो 1100 रुपये से लेके 1350 रुपये, 1100 रुपये से लेके 1250 रुपये, ऊपर में 1300 रुपये। एमपी की प्याज जो बिकी है वो आप समझ लो 1000 रुपये से लेके 1200-1250। महाराष्ट्र की प्याज जो बिकी है 1200 से 1350। अराइवल आज 666 गाड़ी ताज़ी है, 11 गाड़ी परसों की खड़ी थी, यानी खड़ी गाड़ी हो गई 78, 35-36 गाड़ी नीचे बैलेंस है, यानी कि ऊपर नीचे मिला के 108-10 गाड़ी के आसपास माल है। मार्केट में आज सुस्ती है और सुस्ती का रीज़न है मौसम। चूँकि 9 बजे से मौसम ख़राब हो गया तो आज ग्राहकी में पावर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। परसों तो फिर भी 70-80 गाड़ी आसपास माल बिक गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है। आज तो हमारे हिसाब से ज़्यादा 40 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा, बाकी बैलेंस रहेगा। आगे क्या उम्मीद है सर, प्याज के दामों में वृद्धि होगी या कमी होगी? अब 22 तारीख से लगेगा सावन, वो चलेगा 20-21 अगस्त के आसपास तक। तो मार्केट हमारे हिसाब से जो मार्केट चल रही है इसके ऊपर तो अभी बहरहाल नहीं जाती है, लेकिन 1-2 रुपये अप डाउन मार्केट करेगी। ऊपर तो नहीं जाएगी लेकिन 1-2 रुपये मार्केट हमें लगता है नीचे जाएगी। किसानों और व्यापारियों को आपकी क्या एक राय रहेगी, सलाह रहेगी कि माल अपना धीरे धीरे बेचते रहें या रोक के चल रहे? किसानों के लिए तो खास करके संदेश यही है कि जिनके माल हल्के हैं या दागी हो रहे हैं, जैसे एमपी के हालात दिखाई दे रहे हैं, वैसे किसानों को तो माल तत्काल प्रभाव से ही निकालना चाहिए हल्के मालों को। लेकिन जो अच्छे माल हैं उनमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सारा माल रोकना भी नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे वो भी निकालना चाहिए। लेकिन जो हल्के माल हैं उनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। सावन के बाद दाम तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है? सावन के बाद ऐसा लग रहा है कि 2-4-5 रुपये मार्केट अप में जाएगी, लेकिन ज़्यादा तेज़ी भी नहीं बनेगी जितना लोग अपने दिमाग में लगा के बैठे हैं कि भयंकर तेज़ी बन जाएगी, 100 रुपये हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। चूँकि माल है, माल पर्याप्त मात्रा में है, माल का शॉर्टेज नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत एमपी और राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में माल अब कम बचा है, 25-30% के आसपास माल बचा है कुचाउन में। एमपी में माल लोग कह रहे हैं कम है, तो कम तो है लेकिन उनका माल ख़राब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उनका माल हमें लगता है 1-1.5 महीने में निकल के बाहर हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा। लेकिन महाराष्ट्र बेल्ट में प्याज भरपूर है, कोई प्याज की कमी नहीं है महाराष्ट्र बेल्ट में। जी, टमाटर की आवक तो आज कम है लेकिन टमाटर का रेट भी ठीक ठाक है। बंगलौर का टमाटर बिक रहा 1400 से लेकर 1500-1600-1700 तक भी बिक रहा है, और पहाड़ों का टमाटर जो आ रहा वो भी गोली गाली बिक रही है 400 से ले 500-600-700 तक, और बढ़िया टमाटर 1600-1500-1400 तक बिक रहा है। आज गाड़ियाँ बंगलौर की हैं 7-8 गाड़ियाँ थी, बाकी इतना ही गाड़ियाँ पहाड़ों की भी है। टमाटर कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा मौसम ख़राब होने से अब टमाटर भी थोड़ा ग्राहक लूज मार रहा है। आगे ऐसा कि टमाटर कहीं है नहीं, पीछे बंगलौर में भी तेज़ी है, वहाँ मिल नहीं रहा है, यहाँ बिक नहीं रहा है, टमाटर पीछे से ही तेज़ है। क्या संदेश है किसानों के लिए जिनके पास स्टॉक है या बेचते रहे? नहीं नहीं, वो तो स्टॉक करने वाली चीज़ ये है नहीं, वो तो बेचते ही रहेंगे और बेच ही रहे हैं, ऐसी बात कहीं नहीं है कि जो स्टॉक करे। कोई प्याज आलू तो है नहीं, इनको तो जैसे लाल हो गया तो तोड़ के लाना ही लाना और बेचना ही है। जी, बरसात का कितना असर पड़ता है टमाटर पर? ये बरसात नहीं टमाटर ख़राब किया ना, बरसात नहीं होता ना तो इतना जल्दी तेज नहीं होता टमाटर, बरसात होने से ही टमाटर थोड़ी ख़राब हो गए। हाँ, इस टाइम तो बंगलौर टॉप का आ रहा है, वैसे पहाड़ों का भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है।
हाँ वही हिमाचल का, हिमाचल का ही टमाटर जो है वो भी बढ़िया टमाटर आ रहा है, वो भी 1500, 1600, 1400, 1300, 1200। तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से मार्केट टाइम्स की ये रिपोर्ट थी। मैं मोइन गनी, आज़ादपुर मंडी, दिल्ली।